हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वेक्टर का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे। बेटा इसमें हम टू पढ़ने बेटा सेक्शन फार्मूला, वन इंटरनल सेक्शन फार्मूला, सेकंड एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ओके, वन इज इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट वी डिस्कस इंटरनल सेक्शन फार्मूला। If C is the point in line AB, okay, which divide, जो लाइन ए बी ले रहे हैं बेटा हम ए बी, ठीक है, which divide line AB इन रेशो M1 M2 रेशो में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। M1 not equal to 0, M2 not equal to 0, इसका सम भी क्या है बेटा, not equal to 0। हमने C पॉइंट ले लिया ये, जो इसको कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा, M1 M2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके, हमने क्या प्रूव करना है बेटा यहाँ पे, C वेक्टर इक्वल टू M1 B वेक्टर प्लस M2 A वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ओके, वेयर C क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, C वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, A वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B क्या है, पोजीशन, B वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C। लेट वी टेक ओ रीजन, ज्वाइन दिस। सो वी हैव बेटा, हमारे पास ओ ए वैक्टर कितना आ गया बेटा, ए वैक्टर। ओके, ओ बी वैक्टर की वैल्यू क्या है, बी वैक्टर। ओ सी को क्या बोलेंगे, सी वैक्टर। ओ ए को क्या बोलते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, ओ बी को पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, सी को क्या, सी को वैक्टर क्या बोलते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी। क्लियरली देखो बेटा, ए सी अपॉन सी बी कितनी रेशो में डिवाइड किया है बेटा, एम वन एम टू। ओके, सो M2 AC इक्वल टू M1 CB वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर भी क्या होंगे बेटा, ये इक्वल। ओके, M1 AC एंड M1 CB वेक्टर डायरेक्शन भी सेम है, सो M2 AC वेक्टर इक्वल टू M1 CB वेक्टर। सो वी राइट M2 AC वेक्टर को क्या लिखेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, सी बी वैक्टर को पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी। सो एम टू सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, एम वन बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर। सो वी हैव एम टू सी वैक्टर माइनस एम वन ए वैक्टर, एम वन बी वैक्टर माइनस एम वन सी वैक्टर। सो बेटा इक्वेट कर लीजिए इसको, एम वन प्लस एम टू C वेक्टर इज इक्वल टू M1 B वेक्टर प्लस M1 A वेक्टर। सो डिवाइड बाय दिस वी गेट इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट, ठीक है पुत्र। अब इसकी एक एग्जांपल देखिए, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। लेट पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर सी, हमने पोजीशन वेक्टर सी फाइंड करना है बेटा। ओके, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी, क्या दिया है हमें बेटा, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर एंड Q वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर इन द रेशो 2:1। हमें क्या दी है बेटा, 2:1 दी है। सो कैसे निकालेंगे बेटा पोजीशन वेक्टर सी, इसको 2 A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1 कैंसल, सो 5A वेक्टर अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट बेटा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। देन सी डिवाइड एक्सटर्नली, बेटा सेम है, सी डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को। ओके,
कितनी रेशो में एम वन एम टू रेशो, ओके सी डिवाइड क्या रेशो है बेटा एम वन एंड एम टू रेशो में डिवाइड करना है, हमने सी पोजीशन वेक्टर निकालना है, ओके हमने क्या प्रूव करना है बेटा यहाँ पे सी वेक्टर इक्वल टू एम वन बी वेक्टर माइनस एम टू ए वेक्टर अपॉन एम वन माइनस एम टू। सो वी राइट देखो ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा एम वन एम टू रेशो, ए सी वेक्टर बी सी वेक्टर मैंने डायरेक्शन सेम रखनी है बेटा, इसके लिए मैं ए बी सी लिखा इसको एम टू ए सी इक्वल टू एम वन बी सी, देखो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन भी सेम है ए सी बी सी, सो दिस वन बी राइट राइट, सो एम टू ए सी वैक्टर ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इक्वल टू एम वन ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, सो वी राइट ओ सी वैक्टर सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर एम वन पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, ठीक है बेटा, सो वी हैव एम टू सी वैक्टर माइनस एम टू ए वैक्टर एम वन सी वैक्टर माइनस एम वन बी वैक्टर, सो वी राइट एम वन बी वैक्टर माइनस एम टू ए वैक्टर एम वन माइनस एम टू सी वैक्टर क्या आ गया कॉमन डिवाइड लिखा करते हैं। सो इस तरह हम एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं बेटा डिवाइड करते हैं, और अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे बेटा। सो जब हम एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं बीच में क्या आएगा बेटा माइनस, ओके सो इसको हम एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फोर वैक्टर्स, देखो एग्जाम्पल क्या है बेटा फर्स्ट फोर वैक्टर्स फोर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर विद पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर रिस्पेक्टिवली आर सच दैट थ्री ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस टू सी वेक्टर माइनस फोर डी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर शो दैट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर हमने क्या प्रूव करना है भी फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर एंड फाइंड द पोजीशन वेक्टर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन लाइंस ए सी एंड बी बेटा ए सी एंड बी डी का रिलेशन भी फाइंड करना है सो यू सी फ्रॉम दिस वी राइट थ्री ए वैक्टर प्लस टू सी वैक्टर इक्वल टू बी वैक्टर प्लस फोर डी वैक्टर ओके देखो बेटा हमने पोजिशन हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था ना बेटा देखो ए वैक्टर यहाँ पे क्या था बी वैक्टर पोजिशन वैक्टर सी वैक्टर हमने फाइंड किया था एम वन एम टू कैसे लिखा था एम वन बी टू एम टू ए वैक्टर ठीक है बेटा यहाँ पे देखो आप ये आ गया हमारे पास सो वी राइट बो साइड डिवाइड बाय फाइव बी वैक्टर प्लस फोर डी वैक्टर अपॉन फाइव सो वी राइट फाइव को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा टू सी वैक्टर थ्री प्लस टू सो बी वैक्टर को बेटा बी वैक्टर प्लस फोर डी वैक्टर वन प्लस फोर यू सी देखो यहाँ पे क्या आया था बेटा सी वैक्टर एम वन बी वैक्टर माइनस प्लस एम टू ए वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू ओके एम वन बी वैक्टर एम टू ए वैक्टर हमारे पास ये आ गया ओके क्लियर है यहाँ पे ए का पोजिशन वैक्टर ए है सी का पोजिशन वैक्टर क्या है बेटा सी सो यू सी देखो बेटा ए सी सो टू थ्री रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट बेटा
जो भी आएगा पॉइंट, अज्यूम पी पॉइंट आ रहा है, सो कितने रेशियो ड्राइव कर रहा है, टू सी प्लस थ्री ए वेक्टर। सो बी से जो ए सी लाइन है उसको पी पॉइंट, देखो पी पॉइंट कोई भी पॉइंट आ रहा है डी ओ डी का, ये देखो आप टू रेशियो थ्री आ गई, यहां से देखो आप बी एंड डी का, बी डी, ओके बी एंड डी, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर डी है, ये भी इक्वल आ रहा है, मतलब पोजीशन वेक्टर इसका और इसका ए सी और बी डी का सेम आ रहा है। सो कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, फोर इंटू डी है, सो इधर फोर है इधर वन रेशियो, फोर डी प्लस बी ऑन फोर प्लस वन। सो बी से ए सी एंड बी डी लाइन जो है इनका कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, कॉमन पॉइंट बेटा क्या आ रहा है, पी आ रहा है, बिकॉज पी जो है ए सी को टू रेशो थ्री में डिवाइड कर रहा है और पी पॉइंट बी डी को फोर रेशो वन में डिवाइड कर रहा है। सो ये ए बी सी डी ऑल पॉइंट्स आर लाइज इन वन प्लेन, तभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो बी से दिस वन इज ए कोप्लेनर, एंड इनका पोजिशन वैक्टर ये भी लिख सकते हैं, पोजिशन वैक्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इक्वल। एग्जाम्पल सेकेंड बेटा, द पॉइंट्स डी ई एफ डिवाइडेड द साइड्स बी सी सी आर सी ए बी ऑफ द ट्रायंगल इन रेशो वन रेशो फोर थ्री रेशो टू थ्री रेशो सेवन रिस्पेक्टिवली, शो दैट ए बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर आर पैरेलल टू सी के वेक्टर, वेयर के डिवाइड ए बी इन द रेशियो वन रेशियो थ्री। ठीक है बेटा, सो वी टेक ए ट्रायंगल ए बी सी, ओके ए बी सी इन द बी डिवाइड बी सी इन द रेशियो वन रेशियो फोर, देखना बेटा दिस पॉइंट इज डी वन रेशियो फोर, वी टेक पोजिशन वेक्टर, इसको ए कंसीडर कर लीजिए, इसको बी, इसको बेटा सी, सो डी पॉइंट कितना आ गया बेटा सी वेक्टर प्लस फोर बी वेक्टर ऑन फाइव, ओके बी फाइंड डी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर डी, देन ई, ई डिवाइड थ्री रेशियो सी ए को थ्री रेशियो टू थ्री रेशियो टू, ओके थ्री रेशियो टू में डिवाइड कर रहा है ई वेक्टर, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ई क्या आएगा बेटा थ्री ए वेक्टर प्लस टू सी वेक्टर अपॉन थ्री प्लस टू, ओके देन वी फाइंड दिस वन, देन वी फाइंड नेक्स्ट कौन सा था बेटा थ्री रेशियो सेवन ए बी को, ए बी को डिवाइड थ्री रेशियो सेवन, ठीक है थ्री रेशियो सेवन में डिवाइड कर रहा है, सो ये पॉइंट क्या है एफ, सो एफ क्या आएगा पोजिशन वेक्टर बेटा थ्री बी वेक्टर प्लस सेवन ए वेक्टर अपॉन थ्री प्लस सेवन, ओके नेक्स्ट के वेक्टर बाद में, पहले ये निकाले हम ए बी वेक्टर, ठीक है बेटा ए बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर, ए डी वेक्टर होगा बेटा ए डी वेक्टर ए डी सॉरी ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर बी ई वेक्टर सी एफ वेक्टर, ओके ए डी वेक्टर बेटा फर्स्ट ए डी निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी ई वेक्टर बेटा,
BE, position vector of E upon position vector of B plus CF, position vector of F minus position vector of C. So we have C vector plus 4B vector minus 5A vector plus upon 5, 3A vector plus 2C vector minus 5B vector upon 5 plus 3B vector 7A vector minus 10C vector upon 10. So beta LCM kitna hai hamare paas 10. So we have 2C vector 8B vector minus 10A vector plus 6A vector 4C vector 10B vector. Okay. Plus 3B vector 7A vector minus 10C vector. So we have 2C. ठीक है बेटा 4C 6C minus 4C. Okay. 4C vector. Then B vector. 8B minus 2B plus B vector. Okay. फिर नेक्स्ट ए वेक्टर माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4A माइनस 4A प्लस 3A अपॉन 10. बेटा हमारे पास ये वैल्यू है. ओके ये हमने कौन सी वैल्यू निकाली है? ए बी ए डी वैक्टर बी वैक्टर सी ए वैक्टर. हमें प्रूव करना है पैरल टू सी के. फर्स्ट वी फाइंड सी के वैक्टर. जो सी के वैक्टर है ये ले लिया सी के. ओके कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? 1:3. सो के निकालिए पोजीशन वेक्टर. सो मेरे पास क्या के क्या है रेशियो बेटा? 1:3 में डिवाइड कर रहा है ना. सो के की वैल्यू क्या आई है बेटा मेरे पास? के की वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ के बी वेक्टर प्लस 3a वेक्टर अपॉन 4. ओके मेरे पास ये है बेटा. हमें क्या निकालना है? सी के वेक्टर. क्या निकालना है बेटा? सी के वेक्टर. देखिए बेटा सी के वैक्टर क्या है हमारे पास? सी के वैक्टर पोजिशन वैक्टर ऑफ के माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी. सो बी वैक्टर प्लस 3A वैक्टर माइनस 4C वैक्टर अपॉन 4. यहाँ पे क्या आया था बेटा? 3A प्लस बी माइनस 4C. सो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4 अपॉन 10 इंटू 3A वैक्टर प्लस बी वैक्टर माइनस 4C वैक्टर अपॉन 4. दिस वन 2.5 सी के वैक्टर. सो दिस शो दैट बेटा टू वैक्टर्स आर पैरल कब होते हैं? जब वन वैक्टर सम स्केलर ऑफ अदर वैक्टर. देखो दिस वैक्टर सम स्केलर ऑफ दिस वैक्टर. सो दिस वैक्टर ए डी प्लस बी ई वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर पैरल टू सी ए सी के वैक्टर. सो बेटा थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में बेटा इनसेंटर सेंट्रॉइड एंड वेक्टर इन स्पेस एंड प्लेन वो डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.